हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। बिजली की आग मिचौली या लोड शेडिंग से तो नागरिक हलाकान है ही, अब मनमाने बिल से भी महावितरण अपने ग्राहकों को परेशान कर रही है। अनाप शनाप बिजली बिलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक यूनिट बिजली के 110 रुपए वसूल किए गए हैं। पहले अप्रैल महीने में बिल आया और फिर मई में दिया गया। दोनों महीनों की यूनिट खपत में मात्र एक यूनिट का ही अंतर है, लेकिन बिल अमाउंट में 110 रुपए का अंतर है। यह अजीबोगरीब बिल ग्राहक डॉक्टर डीएम कल्याणी के नाम आया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में उन्हें 324 यूनिट खपत का 3,360 रुपए का बिल आया, फिर मई में 325 यूनिट की खपत हुई जिसका 3,470 रुपए का बिल भेजा गया। उन्होंने दोनों बिल जमा कर दिए हैं, लेकिन जब दोनों महीनों के बिल अमाउंट पर ध्यान गया तो देखा कि मात्र एक यूनिट अधिक उपयोग से ही मई महीने का बिल 110 रुपए बढ़ा हुआ है। महावितरण ने एक यूनिट के 110 रुपए किस हिसाब से लगाए, क्या यह कोई बताने वाला है? महावितरण की बिलिंग में इस तरह की मनमानी अन्य ग्राहकों के साथ भी हो सकती है, यह आशंका जताई जा रही है। नीट पीजी 2022 की परीक्षा तिथि को लगभग 2 माह बढ़ाने, आवेदनों के लिए 7 दिन के लिए आवेदन लिंक से पुनः आवेदन स्वीकार करने, नीट पीजी 2021 की लंबित काउंसिलिंग जल्द पूर्ण करने, नीट 2022 हेतु इंटर्नशिप अर्हता की तिथि 31 अगस्त 2022 तक किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल के इंटर्न डॉक्टरों ने आंदोलन किया। इंटर्न ने बताया कि कई महीनों से नीट पीजी 2021 की काउंसिलिंग का विषय चल रहा है। पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग पर रोक लगाई गई, जिसके उपरांत काउंसिलिंग 4 महीने देरी से शुरू हुई। यह मार्च में खत्म होनी थी, उसी दौरान मार्च में नीट पीजी 2022 की परीक्षा होना तय हुई, जिसकी काउंसिलिंग को ध्यान में रखते हुए 21 मई 2022 तक आगे बढ़ाया गया। परंतु मार्च माह में समाप्त होने वाली काउंसिलिंग उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण स्पेशल द्वितीय राउंड कराने एवं एमओपी यूपी राउंड काउंसिलिंग कैंसिल करने के कारण देर से 7 मई को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आदेश के बाद पूरी हुई। उसके बाद भी कुछ राज्यों में काउंसिलिंग कैंसिल की गई और काफी सीट इसके बावजूद खाली रह गई। नीट पीजी 2021 के काउंसिलिंग में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिलने की संभावना थी और नहीं मिल पाया, ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी हेतु उचित समय नहीं मिला। 45 से 46 डिग्री से तपते शहर को रविवार रात हुई बारिश और उसके बाद बदराए मौसम ने बड़ी राहत दी है। रविवार की देर रात शहर के कई इलाकों में कई हल्की तो कई मध्यम बारिश हुई, उसके बाद मौसम में थोड़ी ठंडकता आ गई। दूसरे दिन यानी सोमवार को सुबह से ही बदराया मौसम रहा। अमूमन समय सूरज देव बादलों की ओट में ही रहे, जिससे झुलसाती धूप व गर्म हवाओं से राहत मिली। सिटी का अधिक तापमान भी 24 घंटों में 5.7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। रविवार को सिटी का अधिक तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके पहले शनिवार को तो तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस था। बारिश के बाद सोमवार को सिटी का तापमान कम हुआ और यह 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तापमान कम होने से शहरवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि न्यूनतम तापमान जरूर 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 19 मई तक सिटी सहित जिले के 1 से 2 स्थानों पर रोज ही 1-2 स्पेल की बारिश हो सकती है। धूप छाव का मौसम बना रहेगा। महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा कानून में संशोधन किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण और मनपा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। हालांकि राज्य सरकार के संशोधन पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होने से चुनाव कुछ माह तक टलने की भले ही अटकलें लगाई जाती रही थी, किंतु चुनाव आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद अब राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं में उत्साह जागा है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा की जाएगी। इसके बाद संबंधित महानगर पालिकाओं के आयुक्तों को आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए आदेश दिए जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया पहले ही घोषित होने के कारण अब अंतिम प्रभाग रचना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अब तमाम पेच खत्म होने के कारण 3 सदस्यीय प्रभाग रचना पर अंतिम मोहर लगने जा रही है। 3 सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर आकी गई प्रभाग की सीमाएं पहले ही उजागर की गई थी। हालांकि कुछ प्रभागों को लेकर शिकायतें तो थी, किंतु अंतिम प्रभाग रचना की घोषणा में सब कुछ साफ हो जाएगा। लघु औद्योगिक क्षेत्र की प्लाईवुड कंपनी में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। घटना के समय कंपनी में करीब 60 से 70 कामगार कार्य कर रहे थे। आग लगने की भनक लगते ही सभी खुले मैदान में आ गए।
जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कंपनी में रखा प्लाईवुड का अधिकांश माल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार कुही शहर से सटे एमआरडीसी क्षेत्र में कुही अम्बोरा रोड के समीप इहा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है। सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास कंपनी में रखे प्लाईवुड को लगने वाले ऑयल में अचानक आग लग गई और पास रखे प्लाईवुड के टुकड़े जलने लगे। वहां मौजूद कामगारों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आग की लपटें उठती देख कंपनी में काम कर रहे करीब 60 से 70 कामगार कंपनी से बाहर निकल गए। आग बढ़ती देख तुरंत उमरेड के अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाता तब तक कंपनी का काफी माल मशीन सहित जलकर राख हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही कुही पुलिस भी मौके पर पहुंची। कंपनी के मालिक पारडी निवासी प्रभुदास पटेल की शिकायत पर कुही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तुमसर तहसील के अंबागढ़ किले पर क्लिक टू क्लाउड और बेटिया शक्ति फाउंडेशन नागपुर की अगुवाई में निशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर के महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए छत्रपति शिवशंभु प्रतिष्ठान तुमसर के सहयोग से स्वच्छता मुहिम का आयोजन किया। नागपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर अति दुर्गम हरित क्षेत्र में स्थित अंबागढ़ किला सन 1700 में गोंडराजा भक्त बुलंद शाह के आदेशानुसार बनाया गया था। इन दिनों यह किला दुरावस्था में है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अंबागढ़ किले की जानकारी मिलने पर क्लिक टू क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत मिश्रा, बेटिया शक्ति फाउंडेशन के मुख्य राष्ट्रीय मार्गदर्शक अरविंद पाठक, छत्रपति शिवशंभू प्रतिष्ठान के नितिन धांडे के मार्गदर्शन में निशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर के तहत 30 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने इस किले की साफ सफाई की। स्वच्छता अभियान का नेतृत्व पूर्व सैनिक अमूल राउत, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाइना डे ने किया। सुदीप डे, तनवीर खान के साथ सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में परिश्रम किया। समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश व्यास ने बताया कि संस्था द्वारा भीषण गर्मी से राहत दिलाने हेतु छाछ एवं दुपट्टे का वितरण किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम के प्रथम दिन नरसिंह अवतार प्रकट उत्सव पर टाउन चौक पर छाछ एवं पंछियों के पानी पीने के पात्र बांटे गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरीश व्यास, पूर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक बाम, नरेश जुमानी, महेंद्र कटारिया, हितेश जोशी, मनोज अग्रवाल, लच्छू राम रख्यानी, प्रकाश शर्मा, मनोज बंग, गुरमीत सिंह, आशीष गुलाटी, राजेश अग्रवाल, दुर्गेश रवि नंदकिशोर आदि उपस्थित थे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु परिश्रम किया। कार्यक्रम में पूर्वा फाउंडेशन एवं भाजपा एनजीओ आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी सहकार्य किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपक्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान वृक्षारोपण, परिसर की साफ सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था आदि का प्रबंध किया गया। उपनिदेशक विकास कुंडल ने अपने टीम के सदस्यों के साथ अथक प्रयास करते हुए पखवाड़े को सफल बनाया। इस दौरान सफाई और स्वच्छता विषय पर आयोजित हुए सेमिनार में नागपुर जिला परिषद के जल तथा स्वच्छता विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश मसौतकर ने कहा कि लोगों को घर से स्वच्छता की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने सूखे व गीले कचरे से प्लास्टिक कचरे को अलग करने संबंधी विषय पर भी विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन किया। पखवाड़ा के दौरान विशेष रूप से आमंत्रित आयकर विभाग नागपुर के अपर आयुक्त अजय कुलकर्णी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने उपक्षेत्रीय कार्यालय के साफ सुथरे माहौल की प्रशंसा की। गांधी जी की कर्मभूमि वर्धा का उल्लेख करते हुए उन्होंने आश्रम की स्वच्छता संबंधित अनुभवों का उल्लेख किया और आसपास की सफाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की प्रशंसा की। पखवाड़ा की सफल समाप्ति पर उपनिदेशक ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा मानेवाड़ा शाखा लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल महालगीनगर एवं GDCCH के संयुक्त तत्वावधान में रुक्मिणी नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू में शिव मंदिर के प्रांगण में निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दांतों का परीक्षण एवं निशुल्क जांच की गई। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार मरीजों को आगे के इलाज के लिए सरकारी दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल में बुलाया गया है। इस शिविर का लाभ बैंक अधिकारी, कर्मचारी, बैंक के ग्राहक तथा नागरिकों ने लिया। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन हुड़केश्वर थाना की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने किया। प्रास्ताविक भाषण एवं अतिथियों का स्वागत
बैंक ऑफ बड़ौदा मानेवाड़ा शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक अरुण कौशिक ने किया। सूत्र संचालन लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सचिव डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने किया। शिविर में दंत महाविद्यालय के डॉक्टर अनिकेत धोटे, डॉक्टर ख्याति पालन, डॉक्टर विभोर लद्दड़ एवं वैष्णवी नवघरे ने सेवा प्रदान की। शिविर के सफलतार्थ इंदु बांते, विलास वानखेड़े, सहदेव मेटेकर, श्रावण शेंद्रे ने प्रयास किए। शिविर में कैप्टन प्रभाकर विंचुरकर, प्रमोद अंजनकर, रामकृष्ण रेवतकर, हेमराज मारसिंगे, मोतीराम खोबरागड़े, प्रहलाद शेंडे, लक्ष्मीकांत जुमड़े आदि उपस्थित थे। बड़ी संख्या में विविध स्थानों से आए लाभार्थियों ने शिविर का लाभ उठाया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को इस तरह से काम करने की सलाह दी कि समाज को पुलिस पर गर्व हो। वे शहर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि प्रशिक्षण के बाद समाज में शांति और सद्भाव के लिए कार्य करें। अमितेश कुमार ने उत्कृष्ट गुणवत्ता परेड के लिए प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आत्मनिरीक्षण द्वारा उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस लोगों को अच्छी सेवा दे सकती है। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं की दक्षता के साथ साथ मानसिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया जाता है। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दीक्षांत समारोह में पथ संचलन की सलामी स्वीकार की। परेड का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों की प्राचार्या चेतना तिड़के के मार्गदर्शन में किया गया। इस संचलन में कुल 296 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस सहायुक्त अश्वती दोरजे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित, पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अंकुश शिंदे, फॉरेंसिक लैब के उपनिदेशक विजय ठाकरे, उप प्राचार्य शोभा पी से उपस्थित थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन उन्हें महाबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध निर्माण के अवसर पर ऊर्जा मंत्री एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। साथ ही भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भी नमन किया। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा पर दीक्षाभूमि धम्म अनुयायियों से गुलजार थी। दीक्षाभूमि पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई थी। नागपुर के सभी बौद्ध विहारों में पंचशील झंडा फहराकर बुद्ध वंदना रैलियां आयोजित कर मनाई गई। शहर में विभिन्न स्थानों और मठों में धम्म प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आर विमला, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर सुधीर फुलजेले, शिवदास वासे आदि उपस्थित थे। दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि समारोह संपन्न होने के बाद पालक मंत्री ने इंदौरा स्थित बुद्ध विहार का दौरा किया। उन्होंने गौतम बुद्ध की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और विहार में बाबा साहेब की प्रतिमा पर भी पुष्प चढ़ाए। इस अवसर पर विहार समिति के पदाधिकारीगण एवं परिसर के नागरिक उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका द्वारा संचालित बोधिसत्व शहरी बेघर निवारा केंद्र इंदौरा में परमात्मा एक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था की ओर से हर्षोल्लास से बुद्ध जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथि के शुभ हस्ते सबसे पहले प्रथम भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि डॉक्टर अनिता खावरडे, अतिथि गिरधारी निमजे, दिलीप धकाते, संस्था अध्यक्ष भास्कर पराते उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण भास्कर पराते ने दिया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा सफल जीवन जीने हेतु नई राह दिखाती है। उनकी कृपा श्रद्धालुओं के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि डॉक्टर अनिता खापरडे ने उपस्थित नागरिकों को मार्गदर्शन किया और कहा कि बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के लोग बुद्ध पूर्णिमा बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। यह पर्व बुद्ध आदर्शों और धम्म के रास्तों पर चलने की प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था अध्यक्ष भास्कर पराते, व्यवस्थापक यशवंत पांडे, लक्ष्मीकांत सहारे, प्रीति इंदुरकर, प्रीति जामुलकर, रुपेश निमजे, विजय पौनीकर, संजू कुमार गोटाफोड़े, कपिल पराते, नीतीश मांडवकर, ज्ञानेश्वर पराडे, प्रवीण शिरपुरकर, सागर सिसीकर आदि श्रद्धालुओं ने अथक परिश्रम किया। रक्तदान के क्षेत्र में 1978 से लेकर अब तक 44 वर्षों में किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं रचनात्मक कार्यों के लिए डॉक्टर बालकृष्ण महाजन को उनके 111वीं रक्तदान करने तथा कोरोना काल में समसामयिक विषयों पर YouTube पर 23 लघु नाटिका का लेखन, निर्देशन, अभिनय करके प्रसारण करने पर जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2022 समाज रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, विधायक विकास ठाकरे, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर उदय बोधनकर, किशोर कनेरे, नरेंद्र सतीजा, डॉक्टर प्रवीण डबली, डॉक्टर आनंद शर्मा प्रमुखता से उपस्थित थे। जीरो माइल हिंदी साप्ताहिक की वर्षगांठ पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया।
फैजा ने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से इस साल वरवधुओं के आवेदन की पड़ताल के बाद 26 जोड़ों को निकाह के सूत्रों में बांधा गया। ताजबाग शाही मस्जिद के इमाम मौलाना खुर्शीद आलम साहब ने खुतबा पढ़ाया। मौलाना बदरुद्दुजा इरशाद साहब ने दूल्हा दुल्हन के हक में कामयाब और खुशहाल जिंदगी के लिए दुआएं की। शिक्षा के साथ साथ पेंटिंग का महत्व आज के समय में सभी जानते हैं। ग्रीष्मकालीन ड्राइंग प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने से छात्रों को कला कौशल के साथ साथ बियॉन्ड सिलेबस शिक्षा विकसित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से अधिक छात्र चित्रकला में अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर सकेंगे। स्मृतिशेष मधुकर राव तामगाड़गे चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्षा लीना तामगाड़गे ने कहा कि इस शिविर के माध्यम से छात्रों को कलात्मक संस्कारों का पाठ पढ़ने को मिलेगा। वे मधुकर राव तामगाड़गे चैरिटेबल ट्रस्ट की शैक्षिक इकाई द्वारा बहुजन हिताय संघ लुम्बिनी अभियान ट्रस्ट और निमिष्का डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से आयोजित निःशुल्क ग्रीष्मकालीन चित्रकला प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रही थी। इस अवसर पर सांची समूह के निदेशक एवं बहुजन हिताय संघ के सदस्य डॉक्टर अनुराधा बेले और सुरेश पांताव ने, संगीता पांताव ने, भीमराव मेशराम, अधिवक्ता हंसराज भांगे, प्रकाश सोनटक्के, प्रभाकर मुंडे, वत्सला गणवीर, डॉक्टर राठौड़, भंते धम्मसारथी, अजय शंकर, मुख्य चित्रकारी शिक्षक स्वयंदीप, कर्नल राजू पाटिल और अजय शंकर उपस्थित थे। आगे बोलते हुए लीना तामगाड़गे ने कहा कि जीवन में पेंटिंग का भी बहुत महत्व है। हर छात्र में पढ़ाई के अलावा अन्य महत्वपूर्ण भी गुण होते हैं जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। कामठी मौधा विधानसभा क्षेत्र के नेता नागपुर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भोयर के आदेश पर एवं मोहम्मद इरशाद शेख के नेतृत्व में कामठी तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तहसीलदार के मार्फत केंद्रीय रेल मंत्री से कामठी शहर में कोरोना महामारी के पहले शुरू विभिन्न ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृष्णा यादव, महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल के सहसचिव राजकुमार गिडाम, विष्णु चनोले, सोहेल अंजुम, सुरैया बानो, अंबिका रामटेके, ज्योति कारेमुरे, मंजू मेशराम, पूर्व नगर सेवक मोहम्मद अरशद कमाल, मोहम्मद राशिद अंसारी, तौसीफ मलिक फैजी, मोहम्मद सलमान खान, इरफान अहमद, अफसर खान, सुल्तान अशरफी, दिवाकर राव सौदागर, रिजवान शेख, आशीष मेशराम, फरमान खान, अरशद खान, सोहेब खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर स्टॉक की जमाखोरी को रोकने और पहले घरेलू खपत को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। भारत में खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक था, कैट ने कहा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि देश में अनिर्धारित अचानक और व्यापक गर्मी ने गेहूं के उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उसके लिए एक प्रमुख कारक है। भारत विशाल सीमांत आय वाले लोगों की भूमि है और रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्धता सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश को गेहूं की कोई कमी न हो, ऐसा लगता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है। भारत पूरी दुनिया में चीन के बाद गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे देश में लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि का उपयोग गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाता है। ICAI की नागपुर शाखा ने ICAI भवन धंतोली नागपुर में महाराष्ट्र राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ नई शुरू की गई महाराष्ट्र राज्य एमनेस्टी योजना 2022 को संबोधित करने के लिए अपने सदस्यों के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस संवादात्मक कार्यक्रम में अनंत राख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि VD कामठेवाड़ और जनार्दन राउत ने अतिथि के रूप में सत्र की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर CA शैलेंद्र जैन को विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया और सुनील वी लहाने ने पैनलिस्ट के रूप में सभा को संबोधित किया। अनंत राख ने सरल तरीके से समझाया कि कैसे वर्तमान माफी योजना वर्ष 1991 से इससे पहले शुरू की गई किसी भी अन्य योजना से अलग और बेहतर है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से यह भी समझाया कि कौन लाभान्वित हो सकता है और कैसे। उन्होंने आगे कहा कि यह अपनी तरह की एक एमनेस्टी योजना है, जिसमें योजना से पहले विभाग द्वारा योजना के सुचारू और कुशल क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया गया है। राख ने योजना के सफल क्रियान्वयन में विभाग की ओर से डीलरों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। नागपुर जिला परिषद सिंचाई विभाग में अजीबोगरीब कारोबार चल रहा है, मानो जिला परिषद राम भरोसे हो गया है।
किसी भी विभाग पर आला अधिकारी पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। इस विभाग के काम में अनियमितता सामने आने के बाद अब संपूर्ण ठप पड़ गई है। जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि का कार्य एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि विभाग द्वारा कोई टेंडर जारी नहीं किया गया था। तालाब को गहरा करने सहित अन्य कार्यों के नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक परेशान है। चर्चा है कि आर्थिक कारणों से इस काम का टेंडर जारी नहीं किया गया। वहीं सिंचाई विभाग द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। जिला योजना समिति के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए जिला परिषद के सिंचाई विभाग को 7.5 करोड़ स्वीकृत किए गए। इस कोष से तालाबों को गहरा करने, मरम्मत व अन्य कार्य किए जाने हैं। सिंचाई विभाग की तालाबों को भी मछली पकड़ने के लिए पट्टे पर दिया जाता है। इससे मछुआरा समुदाय को भी लाभ होता है। इसलिए इस फंड को पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन साल भर में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।